इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जी, मैंने इसको मिक्सचर को अपने सांचे में डाल लिया है। अब मैं इसको देगची में रखूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए मैंने नीचे नमक डाल के अंदर एक सांचा रखा है, उनको आधा घंटा हो चुका है। और ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ब्राउनीज बनी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग और सेहत। आज की वीडियो में हम बनाने लगे हैं ब्राउनीज़, जिन्हें हम ओवन में नहीं बल्कि हम इन्हें पतीले में बनाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब किस्म की ब्राउनीज़ बनती हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उसमें हमें चाहिए 1 कप शुगर, 1 कप मैदा, 1 कप कोको पाउडर, 3 अंडे, 1 बार बटर की। इसको आप फ्रिज में से निकाल दें, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख लें। और हमें चाहिए इसमें कुकिंग चॉकलेट और थोड़ा सा वनीला एसेंस। इसकी तैयारी से पहले मैंने एक पैन ली है, पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करके मैंने उसके अंदर बटर पेपर लगा लिया है और साथ ही मैंने देगचा चूल्हे पर रख दिया है प्री हीट होने के लिए। उसमें मैंने नीचे एक सॉल्ट की लेयर लगाई है और उसके ऊपर आप कोई भी छलनी रख लें। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक बाउल में अंडे तोड़ लिए हैं 3। अब इसमें हमने जो 1 कप शुगर लिया था वो डाल देंगे और इसको हम इतना बीट करेंगे कि ये अपने साइज से डबल हो जाए। ये देखें जी, मैंने अंडों और चीनी को बीट कर लिया है, ये ऑलमोस्ट अपने साइज में डबल हो गए हैं। अब मैं इसमें कोको पाउडर का 1 कप डाल दूंगी और अब इसको मैं दोबारा से बीट करूंगी। ये देखें जी, मैंने कोको पाउडर डाला, कोको पाउडर को बीट कर लिया। अब मैं बटर लूंगी, बटर की एक पूरी बार मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखें जी, मैंने अब इसमें बटर डाल दिया। अब मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स डालूंगी वेनीला एसेंस के। तरीका बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ एग और शुगर को डबल मतलब इतना बीट करना है कि वो साइज़ में डबल हो जाए, बाकी सब चीज़ों को आपने डालते जाना है, बारी बारी मिक्स करते जाना है। अब मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ। ये देखें जी, मैंने इसमें बटर डाला है, बटर डाल के उसको बीट कर लिया है। अब मैं इसमें मैदा डालूंगी, मैदा मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके डालूंगी और उसको बीट करती जाऊंगी। ये देखिए मैंने बाकी मैदा भी डाल दिया है, इसे मैं बीट करूंगी। ये देखें जी, अब मैंने क्या किया, मैंने जो मैदा डाला था उसको मैंने इतना बीट किया कि मैदे की जो सफ़ेदी थी वो नज़र आनी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या करना है। अच्छा जी, अब ये जो मैंने ली थी कुकिंग चॉकलेट, ये कुकिंग चॉकलेट को मैं इसमें ऐड करूंगी। इससे क्या होगा, कुकिंग चॉकलेट जब हम ब्राउनी को बेक करेंगे देगचे में तो इसको ये बीच में जहाँ जहाँ पर मेल्ट होगी तो वो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब ये मैं सारी कुकिंग चॉकलेट इसमें ऐड कर दूंगी और इसको हल्का सा बीट करूंगी। ये देखें जी, हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको पैन में डालूंगी। ये देखें जी, ब्राउनीज़ के मिक्सचर को मैंने पैन में डाल लिया है। अब हम इसको 3-4 दफ़ा टैप टैप करेंगे। ये देखें जी, मैंने इसको मिक्सचर को अपने सांचे में डाल लिया है, सांचे में डाल के मैंने इसको 3-4 दफ़ा टैप टैप कर लिया है ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएं। अब मैं इसको देगचे में रखूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखें, मैंने नीचे नमक डाल के अंदर एक सांचा रखा है और उसके अंदर मैंने अपनी ब्राउनीज़ का मटीरियल रख दिया है। अब मैं इसको ढाँक दूँगी। ये देखें जी, मेरे जो ब्राउनीज़ थी उनको आधा घंटा हो चुका है और ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ब्राउनीज़ बनी हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।